बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी रेफरेंस प्रोटॉन के नेबरिंग दो प्रोटॉन है तो किस तरीके से केमिकल शिफ्ट पोजीशन या सिग्नल किस तरीके से स्प्लिट करेगा, यानी स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग इफ वी हैव मोर देन वन नेबरिंग प्रोटॉन्स। तो इस केस में हम लोग ले रहे हैं, ये हमारा हम लोग इस प्रोटॉन के लिए ऑब्जर्व करेंगे, इस प्रोटॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व प्रोटॉन है ये, ऑब्जर्व प्रोटॉन, और ये इसके दो नेबर्स हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस केस में देखा था कि भाई जो हमारा अप्लाइड फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अब इन दोनों प्रोटॉन के जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो स्पिन है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज उसकी हो सकती हैं, कैसे वो देखते हैं। तो देखिए, इस इन दोनों प्रोटॉन की स्पिन, इसको एक को मैं H1 प्रोटॉन मान रहा हूं, एक को H2 मान रहा हूं, ठीक है। तो अब इन दोनों प्रोटॉन्स की स्पिन क्या हो सकती है, इसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मैं लिख रहा हूं यहां पे। पहली पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है कि दोनों प्रोटॉन ये एच वन, नंबर वन, नंबर वन प्रोटॉन एंड नंबर टू प्रोटॉन्स, इन दोनों के स्पिन इस तरीके से हो, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन मैं ले रहा हूं, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है इन दोनों की, वो ये है, एक की अपवर्ड स्पिन, दूसरे की डाउनवर्ड, साइमल्टेनियसली इसकी डाउनवर्ड और इसकी अपवर्ड। अब इसमें मैं अगर वन टू लिख दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये प्रोटॉन नंबर वन है, ये प्रोटॉन नंबर टू है, ठीक है, ये वन है, ये टू है, ये वन है, ये टू है, और तीसरी पॉसिबिलिटी होगी यहां पे दोनों प्रोटॉन्स की स्पिन डाउनवर्ड, ठीक है, और ये प्रोटॉन नंबर वन एंड प्रोटॉन नंबर टू। तो ये जो वन एंड टू प्रोटॉन हमने लिया था, इसके ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। आप सबको पता है प्रोटॉन की स्पिन हाफ होती है, तो प्रोटॉन के स्पिन की डिफरेंट पोजीशंस हैं। ये पोजीशंस हम लोग किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फील्ड, विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड ये है, this is applied field। तो applied field के respect में इन दोनों protons की different orientation, different spin orientations ये है। अब क्या होगा, हम लोगों ने इसकी एक chemical shift position देखी, लेकिन वो chemical shift position की तीन possibilities बन गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका जो स्पेक्ट्रम जो हमें मिलेगा इस हाइड्रोजन के लिए, वो किस तीन पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा, कितने पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा बच्चों, तीन पार्ट में। देखिए कैसे, जो रेशियो होगा वो होगा 1:2:1, ठीक है, 1:2:1 के रेशियो में। क्यों, क्योंकि यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, टू पॉसिबल अरेंजमेंट्स, और इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। तो और यहां पर इसकी, इन दोनों का ओरिएंटेशन एक, इन दोनों का ओरिएंटेशन एक, और दोनों की एनर्जी क्या होगी, इन दोनों की एनर्जी और इन दोनों की एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में, अप्लाइड फील्ड के रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, लेकिन इंटेंसिटी बराबर होगी क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी एक ही पॉसिबिलिटी है। तो इंटेंसिटी का रेशियो आ गया 1:2:1। तो इस तरीके से हम लोगों को इस हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, ट्रिपलेट, क्या मिलेगा, ट्रिपलेट। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, जब हमारा एक स्पेक्ट्रम तीन पार्ट में स्प्लिट कर गया ड्यू टू द इंटरेक्शन विद दीज टू प्रोटॉन्स, तो ये कहा जाएगा ट्रिपलेट। So this observed proton appears
एज अ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट राइट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम वी कैन एसेस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट द नेबरिंग कार्बन राइट। क्योंकि अगर यहां पर दो हैं तो ये तीन में स्प्लिट कर रहा है। इससे पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि एक नेबरिंग प्रोटॉन था तो ये किस फॉर्म में आ रहा था, डबलेट के फॉर्म में आ रहा था ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एडजेसेंट कार्बन पर कितने हैं ये हम लोग मल्टीप्लिसिटी को देख करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं राइट। ये हम लोग मल्टीप्लिसिटी को देख करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और हम लोग यहां पर ये नोट कर सकते हैं कि देयर आर दीज आर थ्री पॉसिबिलिटीज हैव डिफरेंट एनर्जीज, ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज have different energy. Energies. So there are three lines. Three lines. Right? And probabilities probabilities in the ratio 1 ratio 2 ratio 1 so the intensity intensity of the lines is 1:2:1। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये देखा कि अगर किसी भी रेफरेंस प्रोटॉन के एडिशन दो प्रोटॉन है तो इसका सिग्नल हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रिपलेट। अब कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि इन दोनों हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा, तो ये क्या करेगा, सिंगल प्रोटॉन है तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होंगी, तो ये इनको डबलेट के फॉर्म में, यानी जो प्रीवियस केस हमने डिस्कस किया था, इस फॉर्म में वो क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। कंडीशन एक ही है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। ये जो दोनों नेबरिंग हाइड्रोजन है ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट। अगर ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो आपको इस तरीके से सिमेट्रिकल स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी राइट। अब देखते हैं बच्चों, इसमें हम लोगों ने एक ऑब्जर्व प्रोटॉन लिया, इसमें एक प्रोटॉन और मैंने बढ़ा दिया, तो किस तरीके से हम लोग इसमें इंटेंसिटी और स्प्लिटिंग देखेंगे इस हाइड्रोजन के लिए। तो सबको पता है कि भाई ये तीनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई, अब इस तीनों हाइड्रोजन को के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन मैं बनाता हूँ। यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी होगी कि तीनों 1, 2, 3 हाइड्रोजन्स वो एक जैसे हो, इस तरीके से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी ले रहे हैं जिसमें वन टू एंड थ्री, हमने क्या किया, वन और टू की स्पिन को एक ही रखा, इसमें कोई चेंज नहीं किया, थर्ड जो है इसका स्पिन अलग हो गया, तो ये अलग कॉम्बिनेशन बन गया। फिर इसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें बन सकता है, नंबर टू प्रोटॉन इस तरीके से हो जाए, तो 1, 2, 3 ये हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन।
तीसरा हो गया कि पहला वाला ऐसे हो जाए, एक दो तीन, ठीक है, 1 2 3। तो हमने क्या किया, पहली पॉसिबिलिटी लिया, पहला केस लिया कि जब तीनों एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट हो रहे हैं तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में ऐड हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ दो का ऐड होगा, इसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें भी दो का ऐड होगा, एक का सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें भी दो का ऐड होगा, एक का सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, अगर हम लोग ये मानते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। अगला केस हमारा बनेगा जब तीनों की पोजीशन 1 2 और 3 कहां हो, ऊपर। आप ये देखोगे कि इसमें कोई भी स्टेट रिपीट नहीं होनी चाहिए और आपको रिपीट नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए 1 2 3 लिख देने से ये क्लियर हो जा रहा है कि हम किस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं और यहां पर भी 1 2 3 है। इसके बाद ये हो गई अगली स्टेट इन तीनों प्रोटॉन्स की स्पिन स्टेट्स। अब एक स्टेट और बची है अभी बच्चों, और वो है कि तीनों की स्पिन डाउनवर्ड हो जाए। वन टू थ्री। तो इस तरीके से आपको इस हाइड्रोजन का जो केमिकल शिफ्ट होगा या जो इसका स्पेक्ट्रम होगा वो चार पार्ट में स्प्लिट होगा, क्योंकि इन चारों की एनर्जी अलग अलग होगी, ठीक है, इन चारों की एनर्जी अलग अलग होगी। हाँ, इंटेंसिटी हम कह सकते हैं इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी इक्वल होगी और इन दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होगी, लेकिन यहां पर देखिए तीन कॉम्बिनेशन है, तो अगर हम इसका रेशियो देखें, इनकी इंटेंसिटीज का रेशियो देखें, तो ये आएगा 1:3:3:1, क्योंकि ये एक स्टेट है और यहां पर इसकी तीन स्टेट्स पॉसिबल हैं, तो इस तरीके से 1:3:3:1। तो जो इंटेंसिटी होगी स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल लाइंस की वो इस तरीके से वेरी करेगी, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तीन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन अगर है तो आपको इस तरीके से क्वाड्रेट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक रेफरेंस और ऑब्जर्व प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में तीन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम। एंड काउंटिंग ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स, इसके लिए हम लोगों के पास एक रूल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, N+L रूल। तो दी N+1 रूल, तो क्या है ये N+1 रूल बच्चों, अगर मान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जर्व प्रोटॉन कोई भी हमारे पास है जिसका हमें एब्जॉर्प्शन हमें जिसका देखना है या जिसका स्पेक्ट्रम देखना है, और उसके एडजेसेंट मान लेते हैं एन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो उसकी जो स्प्लिट करेगा एब्जॉर्प्शन वो N+1 में स्प्लिट करेगा। सो इफ एन, तो हम लोग इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जर्व प्रोटॉन ऑब्जर्व प्रोटॉन हैज एन एडजेसेंट प्रोटॉन्स एन इक्विवेलेंट एडजेसेंट प्रोटॉन्स राइट, तो द एब्जॉर्प्शन द एब्जॉर्प्शन इज स्प्लिट इनटू N+1 लाइंस। N+1 lines and this rule is called N+1 rule, ठीक।
यानी अगर हम लोग हमारे पास मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, अब अगर हम लोग देखें तो इन तीनों हाइड्रोजन के, ठीक है, तो these three hydrogens have two neighboring hydrogens. तो अब बताइए n प्लस वन रूल लगाइए इसके ऊपर, तो कितने पार्ट में स्प्लिट करेगा इसका स्पेक्ट्रम? देयरफोर दिस विल स्प्लिट इनटू टू, सो n इज इक्वल टू टू, टू नेवरिंग प्रोटॉन्स मींस n इज इक्वल टू टू, देन द एब्जॉर्प्शन फॉर दीज थ्री हाइड्रोजन दिस विल स्प्लिट इनटू n plus 1 and n is equal to 2, so 2 plus 1, so you will get 3. 3 means triplet. तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में किसी हाइड्रोजन के, किसी भी हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, उसके एडजेसेंट, सो एडजेसेंट ये दो हाइड्रोजन है, इक्विवेलेंट है, दोनों हाइड्रोजन क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर आप केमिकल इक्विवेलेंसी और ये सारी चीजें देखेंगे तो ये दोनों कैसे हाइड्रोजन माने जाएंगे, एनिसोट्रॉपिक, सो बोथ हैव सेम केमिकल शिफ्ट। तो ये दोनों दो हाइड्रोजन नेवरिंग हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेंगे, इन तीनों के स्पेक्ट्रम को ट्रिपलेट में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, राइट। अब देखिए अगर हम लोग इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को देखते हैं, so these two hydrogens have how many, three equivalent adjacent hydrogens. Therefore, the spectrum or absorption for these two will split into n plus 1, and this time the value of n is 3, so 3 plus 1 is equal to 4. So this will split into appear as a on the spectrum, the absorption for these two protons will appear as a quartet, right? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में कि किस तरीके से हमें उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, मिलेगा। अब अगर हम लोग इसको इस स्केल पर प्लॉट करना चाहते हैं इसका ग्राफ, तो देखिए इन तीन का हमें ट्रिपलेट फॉर्म में मिलेगा, तो इसकी शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट यहां कहीं आएगी, तो ट्रिपलेट और ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, ट्रिपलेट एंड इंटेंसिटी क्या होगी इसकी, 1:2:1 जैसा कि हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इन दोनों का हमें मिलेगा क्वार्टरेट, और वो देखिए किस तरीके से मिलेगा, वो आएगा 3 और 4 के बीच में कहीं पर, और कुछ इस तरीके से, तो 1, 2, 3, 4 क्या रेशियो होगा बच्चों इंटेंसिटी का, 1:3
इज टू थ्री इज टू वन, क्योंकि इसके इन दोनों हाइड्रोजन के तीन नेबरिंग हाइड्रोजन है, तो ऐसे सिचुएशन में ये आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेट। तो ये हो गया क्वाड्रेट, इसका शेप इस तरीके से होता है क्वाड्रेट, और ये हो गया ट्रिपलेट, ये हो गया ट्रिपलेट। तो इसको आप लोग इस तरीके से स्पेक्ट्रम में रीड कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का अगर आपको स्प्लिटिंग पैटर्न देखना है तो स्प्लिटिंग पैटर्न और इसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्लियर। ओके, और बच्चों एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कभी भी नेवरिंग पोजीशन पर OH या NH का प्रोटॉन है तो यूजुअली हम लोग उसकी स्प्लिटिंग नहीं ऑब्जर्व करते, राइट, यूजुअली, राइट। सो डू नॉट यूजुअली सी स्प्लिटिंग विथ OH और NH, राइट, प्रोटॉन्स। यानी अगर किसी प्रोटॉन के नेवरिंग पोजिशन में OH या NH का प्रोटॉन है तो यूजुअली इसके कारण हम लोग स्प्लिटिंग नहीं देखते। तो बच्चों एक चीज ये क्लियर हो गई कि जो स्प्लिटिंग है वो एडजेसेंट प्रोटॉन से इसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्प्लिटिंग पैटर्न, एक टेबल बना लेते हैं और उसमें स्प्लिटिंग पैटर्न को हम लोग लिस्ट कर लेते हैं जिससे कि फ्यूचर में आपको आसानी होगी। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एडजेसेंट हाइड्रोजन और स्प्लिटिंग पैटर्न एंड रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइंस, रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइंस, ठीक है। तो एक टेबल के फॉर्म में हम लोग इसको मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन जीरो है तो स्प्लिटिंग पैटर्न हमें क्या मिलेगा, वन, और इसको क्या कहा जाएगा, सिंगलेट, और रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होगी, वन। मान लेते हैं नंबर ऑफ एडजेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास है वन तो स्प्लिटिंग पैटर्न हमें क्या मिलेगा, टू, और इसको क्या कहा जाता है, डबलेट, और रिलेटिव इंटेंसिटी होगी वन इज टू वन। रिलेटिव इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि जो हाइट है स्पेक्ट्रम की वो इस तरीके से आपको मिलेगी, इक्वल, वन इज टू वन, राइट। अगर हमारे पास इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है कितने, टू, तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, ट्रिपलेट, टू प्लस वन, एन प्लस वन, दिस इज एन एंड दिस इज एन प्लस वन, राइट, दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट, और यहां पर इंटेंसिटी हो जाएगी वन इज टू टू इज टू वन, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर हमारे पास नेवरिंग प्रोटॉन्स तीन हो गए तो हमारे पास n प्लस वन कितना हो जाएगा, फोर,
एन प्लस वन फोर, और इसको कहा जाएगा क्वार्टेट, क्वार्टेट, और रिलेटिव इंटेंसिटी हो जाएगी वन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन। ठीक है, अगर हमारे पास नेबरिंग प्रोटॉन्स हो गए चार, तो यहां पे मिल जाएगा हमें कितनी लाइंस, पांच स्प्लिटिंग, फोर प्लस वन फाइव, एंड इसको कहा जाता है क्विंटेट, क्विंटेट। और अब की बार रिलेटिव इंटेंसिटी हो जाएगी वन इज टू फोर इज टू सिक्स इज टू फोर इज टू वन, और अगर फाइव है तो क्या मिल जाएगा सिक्स, और इसको कहा जाएगा सेक्स्टेट, एंड रिलेटिव इंटेंसिटी होगी वन इज टू फाइव इज टू टेन इज टू टेन इज टू फाइव इज टू वन। तो इस तरीके से हम लोग स्पेक्ट्रम को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेबरिंग इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स पांच, तो हमें वो सिक्स्टेट के फॉर्म में मिलेगा और रिलेटिव इंटेंसिटी ये होगी। ठीक है बच्चों, ये जो रिलेटिव इंटेंसिटीज हैं पीक्स की, इसको हम लोग एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन से भी समझ सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं, और इसको मैथमेटिक्स में पास्कल ट्रायंगल भी कहते हैं। जैसे वन यहां पर है तो सिंगल लाइन वन, अब मान लेते हैं डबलेट फॉर्म में मिला है, तो इसी वन को इधर कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, और इसी वन को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, वन इज टू वन हो जाएगा। अब थर्ड, अगर ट्रिपलेट मिल रहा है तो इसको यहां पर कॉपी करिए पहले, ये कॉपी कर लिया हमने वन, फिर इन दोनों को प्लस करिए और यहां पर लिखिए टू, और इसके बाद फिर इसको कॉपी कर लीजिए तो वन, फिर इसी तरीके से इसको कॉपी करिए, इधर एक्सपेंड करिए वन, फिर इन दोनों को प्लस करिए, क्या आ गया थ्री, सो वन रेशियो थ्री, फिर इन दोनों को प्लस करिए, क्या आ गया टू एंड वन थ्री, एंड इसको एक्सपेंड कर दीजिए बाहर की तरफ, तो यहां पे आ गया वन। ठीक है, अब इसको फिर से एक्सपेंड करिए वन, फिर इन दोनों को ऐड करिए रेशियो फोर, फिर इन दोनों को ऐड करिए रेशियो सिक्स, फिर इन दोनों को ऐड करिए रेशियो फोर, और फिर इसको एक्सपेंड कर दीजिए रेशियो वन। फिर इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं इसको एक्सपेंड कर दीजिए वन, इन दोनों को ऐड कर दीजिए फोर एंड वन फाइव, सो वन रेशियो फाइव, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए रेशियो टेन, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए रेशियो टेन, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए रेशियो फाइव, फिर इसको एक्सपेंड कर दीजिए रेशियो वन। तो ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स्टेट। आप देखें अगर ध्यान से तो आपके पास वन इज टू फाइव इज टू टेन इज टू टेन इज टू फाइव इज टू वन, वन इज टू फाइव इज टू टेन इज टू टेन इज टू फाइव इज टू वन। तो इसको हम लोग कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। क्या कहते हैं बच्चों? पास्कल्स ट्रायंगल। तो इसको आप एक सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक से क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग रिलेटिव इंटेंसिटीज को क्या करेंगे, आसानी से लिख सकते हैं।